और किसी ने खूब कहा है, हंसकर बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। तो सबसे पहले जिंदगी में एक चीज भगवान ने इंसानी को दी और किसी को नहीं दी, क्या दी है? सिर्फ मुस्कुराना, है ना। और कहते हैं कि मुस्कुराने से इंसान बहुत सुंदर नजर आता है, तो आई थिंक स्माइल देंगे, पर स्माइल दे मैं देखता हूँ। देखो ये कंडीशन कब होती है, एक बार जब आपकी शादी होती है, जब फोटोग्राफर बोलते हैं ना स्माइल प्लीज, वो स्माइल नहीं देता, उसको पता है कि पीछे गड़बड़ होने वाली, आप स्माइल करवा रहे हो, क्या बात है ना। तो देखो तो ये स्माइल दूसरी है एक्चुअली, इस स्माइल के बाद में जिंदगी में हमेशा हैप्पीनेस आने वाली है ना। तो एक बार जोरदार स्माइल देंगे और खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं यार, किसी ने रोका थोड़ी, जोरदार क्लैपिंग। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जहां पर एक आम इंसान यहां पर खास बनता है, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा हूं, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माता रानी का, क्योंकि जो भी चीज है उसकी मर्जी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, उसके बाद मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा हमारे सबके मेंटर, इस कंपनी के मालिक लगा लो, प्रेसिडेंट लगा लो, एक ऐसे इंसान जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक खतरनाक मोमेंटम दिया है, मिस्टर हैंकल पार्क, जिनके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में मैं अपने मेंटर मिस्टर इंदर राठौर सर, जो यहां पर नहीं है, जो इंसान डिजर्व करता है क्लैपिंग, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। उसके बाद में देन मेरे सीनियर संजीव जी और नरेंद्र जी के लिए क्लैपिंग, सबसे ज्यादा क्लैपिंग मेरे बच्चों के लिए, मेरी टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मुझे यहाँ खड़े होने का मौका नहीं मिलता, क्लियर है। तो मैं चाहता हूं कि एक दिन आप सब लोग यहाँ पर खड़े हो और मैं पीछे बैठू, आप कोने बजाय रजत जी बैठे हैं, और मैं आप सबको लिए क्लैपिंग करूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं एक्चुअली, सेल्स मास्टर ये आप लोग बनने वाले हैं, बट ये क्या सिर्फ एक शुरुआत है कि हाँ हम बने हैं तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों ने यहाँ पर, अच्छा कितने लोग हैं जो नए हैं इस मीटिंग में, नए आए, फर्स्ट टाइम आए, जो मतलब जिसने एटमी ज्वाइन नहीं किया अभी तक, एटमी ज्वाइन नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम आए, ये हमारे गेस्ट के लिए जोरदार क्लैपिंग यार, इतनी देर से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, क्लैपिंग जोरदार। और कितने लोग एसोसिएट हैं यहाँ पर, एसोसिएट खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हो आप। किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए एक्साइटमेंट जरूरी होता है, क्या होता है? एक्साइटमेंट, माहौल, बगैर माहौल ही कुछ नहीं होता है। अब शादी माहौल चल रहा है, शादी माहौल में ढोलक नहीं हो या डीजे नहीं हो, नाचने वाले नहीं हो, तो क्या लगे शादी शादी होती है ना। तो यहाँ पर तो पीछे से मैं देख रहा हूँ कि संजीव सर ने, नीरज सर ने बहुत अच्छा प्लान बताया, क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। उससे पहले संजीव जी ने बहुत से हमारे जन, सचिन जी ने बहुत अच्छी प्रोफाइल बताई। तो यहाँ पर जिंदगी में देखिए, हम सब लोग एक ऐसा, एक मात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर हम सब लोग मिलके कामयाबी की बातें कर रहे हैं। कहीं आपने सुनी कि कामयाबी की बातें, वरना कहीं भी आप बाहर जाते हैं, कहीं भी कोई माहौल देखते हैं, तो हमेशा एक आदमी दूसरे आदमी क्या करते हैं, वो टांगी खींचता है, ठीक है, वो केकड़े केकड़े मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको, सर ने बताया, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि मतलब मुफ्त की, मतलब डॉक्टर्स होते हैं, मुफ्त के डॉक्टर होते हैं, मुफ्त की राय भी देंगे आपको, बाहर जाएंगे तो मुझे पता है डेफिनेटली मिलेंगे। और ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलेंगे कि एक बार एक आदमी क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब परसों से मेरी जो टांगे बहुत नीली पड़ी हुई है, क्या है नीली पड़ी हुई है। तो डॉक्टर क्या करता है, भाई ये काम करिए, मेडिसिन ले जा खा ले, वो मेडिसिन ले जाता है, लेकिन मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते बाद फिर आता है, डॉक्टर साहब एक बार तो सही हो गई थी लेकिन दोबारा पैर मेरे मतलब नीले हो गए हैं, क्या रीजन है। तो डॉक्टर ने कहा, वो तो बड़ी भारी समस्या है, जहर हो गया, पैर काटने पड़ेंगे आपके, काट दो जी, उसके पैर काट देता है, पैर काट के नकली पैर लगा देता है। वो आदमी फिर 15-20 दिन बाद में आता है और बोलता है, डॉक्टर साहब इन नकली पैर भी पीले पड़ गए हैं, नीले पड़ गए हैं। डॉक्टर बोलता है, समस्या क्या है। डॉक्टर उसको अंदर लेके जाता है और उसके पैंट उतरवाता है, बोलता है कि भाई साहब सॉरी गलती हो गई, वो जहर पैरों में नहीं था, आपकी जींस कलर छोड़ रही थी, इसके पैर नीले हो रखे थे आपके। तो कई बार के आपको ऐसे रायचंद मिलेंगे जो आपके ऐसा ना ऐसा इलाज कर देंगे बाहर जाने के बाद में, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप नए नए निकलेंगे मार्केट के अंदर आइटम का झंडा लेके, लेकिन ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो बोलेंगे कि तू भी मीटिंग में से आ जा, तू भी आ जा, तू भी वही है जो पिछली बार गया था, है ना, समझा आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशंस आपके साथ में आएगी एक्चुअली। ये बिजनेस, इसके बारे में जितना मैं आपको बताऊं उतना ही कम है।
इस बिजनेस के बारे में अभी सर ने बताया क्लैपिंग करें तो कई लोग सोच रहे थे कि मैं क्लैपिंग क्यों करूं, मुझे तो पैसा ही नहीं आ रहा है ना। कई लोग सोच रहे थे मैंने सिर्फ आईडी लगाई है, मेरी जब टीम बनेगी मैं सेल्स मास्टर बनूंगा तो मैं क्लैपिंग करूंगा। कई लोग मोहनलाल जैसे होंगे, मोहनलाल को किसी ने बोला भाई साहब आपके लड़का हुआ, मोहनलाल आ रहा था लकड़ी लेके गट्ठा बट्ठा लेके पूरा पूरा, बोला कि भाई साहब खुशखबरी वो क्या हुआ आपके लड़का हुआ है, वो गट्ठे को वहीं डालता है, वो क्या हुआ लड़का ही लेके जाएगा इसको, मैं थोड़ी लेके जाऊंगा। तो कई लोग मोहल्ला बन गए कि बस आईडी लगा के पैसा आएगा, यहाँ पर टीम भी काम करेगी, दिस इज नॉट है ना, ऐसा बिजनेस नहीं है ये। तो इस बिजनेस के बारे में मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है, पीपीटी तैयार है, स्टार्ट करेंगे तो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं जोरदार। और कितने लोग एसोसिएट है यहाँ पर, एसोसिएट खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हो आप। किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए एक्साइटमेंट जरूरी होता है, क्या होता है एक्साइटमेंट, माहौल, बगैर माहौल ही कुछ नहीं होता है। अब शादी हो माहौल चल रहा है, अगर शादी माहौल में ढोलक नहीं हो या डीजे नहीं हो, नाचने वाले नहीं हो तो क्या लगे शादी शादी होती है ना। तो यहाँ पर तो पीछे मैं देख रहा हूँ कि संजीव सर ने, नीरज सर ने बहुत अच्छा प्लान बताया, क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। उससे पहले संजीव जी ने बहुत से हमारे जन सचिन जी ने बहुत अच्छी प्रोफाइल बताई। तो यहाँ पर जिंदगी में देखिए हम सब लोग एक ऐसा एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर हम सब लोग मिलके कामयाबी की बातें कर रहे हैं। कहीं आपने सुनी कि कामयाबी की बातें, वरना कहीं भी बाहर जाते हैं कहीं भी कोई माहौल देखते हैं तो हमेशा एक आदमी दूसरे आदमी क्या करते हैं वो टांगे खींचता है, ठीक है, वो केकड़े केकड़े मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको, सर ने बताया, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि मतलब मुफ्त की मतलब डॉक्टर्स होते हैं, मुफ्त के डॉक्टर होते हैं, मुफ्त की राय भी देंगे आपको, बाहर जाएंगे तो मुझे पता है डेफिनेटली मिलेंगे। और ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलेंगे कि एक बार एक आदमी क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब परसों से मेरी जो टांगे बहुत नीली पड़ी हुई है, क्या है नीली पड़ी हुई है। तो डॉक्टर क्या करता है, भाई ये काम करिए मेडिसिन ले जा खा ले, वो मेडिसिन ले जाता है लेकिन मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते बाद फिर आता है, डॉक्टर साहब एक बार तो सही हो गई थी लेकिन दोबारा पैर मेरे मतलब नीले हो गए हैं, क्या रीजन है। तो डॉक्टर ने कहा वो तो बड़ी भारी समस्या है, जहर हो गया, पैर काटने पड़ेंगे आपके, काट दो जी, उसके पैर काट देता है, पैर काट के नकली पैर लगा देता है। वो आदमी फिर 15-20 दिन बाद में आता है और बोलता है डॉक्टर साहब ये नकली पैर भी पीले पड़ गए हैं, नीले पड़ गए हैं। डॉक्टर बोलता है समस्या क्या है, डॉक्टर उसको अंदर लेके जाता है और उसके पैंट उतरवाता है, बोलता है कि भाई साहब सॉरी गलती होगी, वो जहर पैरों में नहीं था, आपकी जींस कलर छोड़ रही थी, इसके पैर नीले हो रखे थे आपके। तो कई बार के आपको ऐसे रायचंद मिलेंगे जो आपके ऐसा ना ऐसा इलाज करते हैं बाहर जाने के बाद में, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप नए नए निकलेंगे मार्केट के अंदर एटमी झंडा लेके, लेकिन ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो बोलेंगे कि तू भी मीटिंग में से आ जा, तू भी आ जा, तू भी वही है जो पिछली बार गया था, है ना, समझा आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशंस आपके साथ में आएगी। एक्चुअली ये बिजनेस, इसके बारे में जितना मैं आपको बताऊं उतना ही कम है। इस बिजनेस के बारे में अभी सर ने बताया क्लैपिंग करें तो कई लोग सोच रहे थे कि मैं क्लैपिंग क्यों करूं, मुझे तो पैसा ही नहीं आ रहा है ना। कई लोग सोच रहे थे मैंने सिर्फ आईडी लगाई है, मेरी जब टीम बनेगी मैं सेल्स मास्टर बनूंगा तो मैं क्लैपिंग करूंगा। कई लोग मोहनलाल जैसे होंगे, मोहनलाल को किसी ने बोला भाई साहब आपके लड़का हुआ, मोहनलाल आ रहा था लकड़ी लेके गट्ठा बट्ठा लेके पूरा पूरा, बोला कि भाई साहब खुशखबरी वो क्या हुआ आपके लड़का हुआ है, वो गट्ठे को वहीं डालता है, वो क्या हुआ लड़का ही लेके जाएगा इसको, मैं थोड़ी लेके जाऊंगा। तो कई लोग मोहला, फिर लोगों को नींद भी जाती है, कई लोगों को भूख भी लगी होगी। अच्छा सबसे पहले मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा जो आउट ऑफ जयपुर के लोग आए, कितने लोग आउट ऑफ जयपुर से, उनके लिए क्लैपिंग, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है ना, बट मैं भी आउट ऑफ जयपुर से, तो मुझे पता है कि सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है तब जाके टाइम से पहुंचते हैं, तो आप लोग डिजर्व करते हैं आप सब लोग क्लैपिंग के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए क्या है, संजीव जी ने सभी लीडर्स ने आपको बहुत सी चीजें क्लियर कर दी, स्टेप टू स्टेप सब चीजें क्लियर कर दी। मैं आपको पीपीटी से हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री क्या है, आपने बहुत से मतलब बिजनेस कॉन्सेप्ट देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत से आइडियाज आए होंगे, बट मैं आपको एक चीज बताऊंगी, एटमी को हम पिछले उस टाइम से कर रहे जब एटमी इंडिया में आई भी नहीं थी। उससे पहले मैं कोई दूसरी कंपनी भी कर रहा था, देन उससे पहले मेरा जो पास्ट है, मैं जो प्रोफेशनली ब्रांच मैनेजर हूं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, अच्छा खासा पैकेज भी था मेरा, बट जब इस इंडस्ट्री बारे मैंने देखा लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन से पहले देखा, जब लॉकडाउन लगा था 3 दिन पहले मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, जब 22 तारीख को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, और उससे 19 तारीख को मैंने नरेंद्र जी को बुलाया था सीकर के अंदर, चल गया हो क्या देखते हैं। मैंने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का प्लान देखा, न कोई चीज देखी, सिर्फ मैंने इस कॉन्सेप्ट के पीछे का इंटेंशन देखा, सिर्फ इंटेंशन। आप कहीं भी कामयाब होते हैं तो उस कामयाबी के पीछे जिस इंडस्ट्री में काम करो उस इंडस्ट्री का इंटेंशन क्या है, क्योंकि आप कामयाब हो रहे हैं आपके पीछे जो बहुत से लाखों लोग आएंगे क्या वो कामयाब हो रहे हैं,
भाई मैं अकेला कामयाब हूं, दिस इज नॉट फेयर। आप सब लोग कामयाब है तभी तो बिजनेस है। मैं इस इंडस्ट्री में आने का जो इंटेंशन था वो इंटेंशन था, ये इंडस्ट्री मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया की सबसे यूनिक इंडस्ट्री है। कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर कमाने के लिए दो तीन ही अपॉर्चुनिटीज होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसके बाद में पूरे डायरेक्ट सेलिंग आता है, नेटवर्क मार्केटिंग आता है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है या फिर कहीं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। बट अगर कई लोगों को अगर हम एटमी के बारे में बताते हैं तो इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं किसी दूसरी कंपनी से कि ये भी कोई ऐसी कंपनी होगी कि पीछे कोई कंपनी थी हमने करके देख ली, ऐसा था वैसा था, बहुत से एक्सक्यूज लोगों के होते हैं। क्लियर है, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ में। बट जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास में इस इंडस्ट्री को करने के लिए मेरे पास में एक्सपीरियंस था। मैंने वो एक्सपीरियंस बहुत थपेड़े खा के धक्के खा के लिया था। और आप सब लक्की है कि आपको वो इंडस्ट्री उसी टाइम मिल गई जहां पर आपको अभी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। वरना ये इंडस्ट्री चुनने के लिए इंडिया के अंदर तकरीबन 400 से 500 ऐसे स्कैम कंपनियां जिनको लोग बोलते हैं जोड़ने वाली काम कर रही हैं, और लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली उन्हें कौन सी इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़े, वो जज ही नहीं कर पाते, सिलेक्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग इतने लकीली हैं कि आपको बगैर थपेड़े खाए हुए बगैर धक्के खाए हुए एक ऐसी इंडस्ट्री में आने का मौका मिल गया इतने अच्छे राइट टाइम पे कि आप जाके जो भी जिसे भगवान को मानता है उसके जाके रोड बोल देना, प्रोसेस बता देना कि आपने एक ऐसी इंडस्ट्री दे दी जहां पर मैं कामयाब हो सकता हूं। वरना लोग जब मैं सुनता हूं भाई तू क्या कर रहा है, मैं एक ऐसी कंपनी में कंपनी का नाम लेता तो मुझे इतनी हंसी आती है कि तू कंपनी में काम कर रहा है फिर तू किसी डोलर पार्टी में काम कर रहा है, ऐसे ऐसे नाम बताते मुझे। अच्छा वो उन बेचारों की क्या गलती, अब कोई भी नया बंदा आता है उसको मीटिंग में लाया जाता है और मीटिंग्स तो सीधी सी बात है ये नहीं कि सर मीटिंग में आए हम क्लैपिंग कर रहे हैं, ये क्लैपिंग हमारे लिए नहीं है, ये क्लैपिंग आपके लिए है ताकि आप फील करें कि हाँ ये चीज हमारे लिए भी होने वाली है और इसके पीछे बहुत से इंटेंशन है। क्लैपिंग करने से हमारे क्यूबेंचर दबते रहते हैं, कई चीजें खत्म होती रहती है, स्माइल करना इसलिए जरूरी है कि अगर स्माइल नहीं करेंगे तो कंडीशन ऐसी होगी कि आपसे कोई एड्रेस भी नहीं पूछेगा। क्लियर है, एक एयर होस्टेस होती है प्लेन के अंदर और वो जब वो कैबिन से बाहर निकलती पायलट के पास से वो बाहर निकलते ऐसा गंदा सा चेहरा बना ले तो आधे लोगों को तो वैसा अटैक आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़े है। और बाहर आके स्माइल देती है जब बादलों में से एयरप्लेन करती है तो फिर बोलती है कि डोंट वेरी ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ इसकी फ्लाइट जर्नी है, चलता रहता है। तो लोग बोलते हैं हाँ सही कह रही है, स्माइल कर रही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये स्माइल कर रही है, मानते हो ना। और वो ऐसे रोने में स्मृत बना ले तो आधे लोग तो वही बोलते हैं बालाजी की जय हो गया भाई काम तमाम, ये कहीं ना कहीं नार इसके चेहरे पे अगर कहीं नहीं सिकवा है तो कुछ गड़बड़ है। क्लियर है, तो क्या होता है कि आप जब भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप जहां काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का इंटेंशन क्या है, उस कंपनी का इंटेंशन क्या है। मैं जहां पर काम कर रहा हूं क्या वो एट प्रेजेंट टाइम जो मार्केट है इस दुनिया का मार्केट क्या बोल रहा है। आपको ज्ञानी लोग बहुत मिलेंगे बाहर लेकिन हर टाइम की एक इंडस्ट्री निकलती मार्केट के अंदर, हर टाइम का एक बिजनेस मॉडल होता है, हर टाइम कामयाबी का एक पैटर्न होता है, हर टाइम बिजनेस करने के रूल्स चेंज होते हैं। कोरोना से पहले काम करने के तरीके अलग थे, कोरोना से बाद में काम करने के तरीके अलग हो चुके हैं। और जो लोग अभी भी पहले वाले टाइम पे काम कर रहे हैं वही कंपनी का प्लान प्रोडक्ट खेल रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है। अभी जो दौर है ना पूरी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरी दुनिया में अभी जो दौर है वो इंडस्ट्री वो बहुत ग्रोइंग होगी, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री। मार्केटिंग इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजी नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जो 6 से 7 गुना एडवांस इंडस्ट्री काम कर रही पूरी दुनिया में वो काम कर रही ई कॉमर्स इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं आप नहीं मानेंगे तो भी मानेंगे, मानेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आज आपको बता रहा हूं ये बात, आज से पहले तकरीबन 20 साल पहले ही हेनरी पार्क सर को समझ में आ गई थी 1992 के अंदर कि आने वाले टाइम का व्यापार कौन सा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जब अमेजन फ्लिपकार्ट आया भी नहीं था बिकॉज बट उनके पास में एक राइट फंड नहीं था इसलिए कंपनी को सिलेक्ट नहीं कर पाई। उन्होंने 1998 के अंदर एक korea.com के नाम से कंपनी खोली, उसमें वो फेल हो गए बिकॉज उनके पास में फंड नहीं था। सन 2006 में जब उनको अच्छी फंडिंग मिली तो उन्होंने एटमी को स्टार्ट किया। सन 2006 से सन 2009 तक इस कंपनी को साउथ कोरिया की टॉप ऑफ कंपनी बनाया। हमारे यार दोस्त रिश्तेदार तो जब हम लोग बातें करते हैं तो कई बार वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हैं सब देश को बनाने का काम है, 10 लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये काम मेरे से नहीं होगा। यही प्रॉब्लम आती है, कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए। Yes. अब दोस्तों जब ये प्रॉब्लम आती है उसके पीछे रीजन क्या है,
ये बातें क्यों कर रहे हैं वो लोग, उसके पीछे मेन चीज क्या है कि उनको इस इंडस्ट्री की जानकारी है क्या, क्या उनको इसकी ताकत का पता है क्या, यहां क्या होता है, यहां कोई भी व्यक्ति आता है किसी को ज्वाइन करा दिया उसके बाद में फोन उठाना बंद, उसको ज्वाइन करा दिया उसके बाद में सपोर्ट करना बंद। इस एटोमी ने कितना खूबसूरत बिजनेस दिया केवल दो लोगों को, आप अपने दो करीबी लोगों को जोड़िए और आप एक ही चीज पे फोकस कीजिए, मुझे इसकी जिंदगी बदलनी है, इसको अमीर बनाना है, उसको पूरा गाइड कीजिए, पूरा रिलेशन आप डेवलप कीजिए उसके साथ में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, आप उसको ग्रोथ कराइए, अपने आप आपकी ग्रोथ होगी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। हम लोगों को तरक्की करा के तरक्की करते हैं। बाहर आप देख लीजिए कितनी भी फैक्ट्री होंगी, शोरूम होगी, कोई चाहता है क्या दिल से कि आप करोड़पति बने? आपका पड़ोसी बोलता है कि यार भाई तूने 1,00,000 रुपए की सेल की, बधाई हो, बताइए मुझे कोई ऐसा बिजनेस बताइए जहां पे लोग, अगर आप तरक्की करते हो लोग आपको अप्रिशिएट करते हो। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को तरक्की कराते, आज मैंने तरक्की की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज मुझे खुशी हो रही है, नरेंद्र जी हैं, राजा राम जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, पंकज जी हैं, आदित्य जी हैं, अंकित जी हैं, आप देखिए कितने सारे लीडर्स में आप पैसा कमा रहे हैं, खुशी यहां होती है। आप अकेले तरक्की कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने लोगों के साथ लेके चल रहे हैं ये आपका अचीवमेंट है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वह आप अपने अलावा किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं? जब हम अपनी नहीं बदल पा रहे तो दूसरे कहां से बदलेंगे? तो दोस्तों ये देखिए जैसे समुद्र है, जब उसकी गहराई में जाते हैं ऊपर ऊपर आएंगे ना तो समुद्र में लहर आएंगे, थकड़े पड़ेंगे, खारा पानी मुंह में आएगा, लेकिन जब उसकी गहराई में उतर जाएंगे तो वहां पे आपको मोती और खूबसूरत नजारे नजर आएंगे। तो जब आप इस इंडस्ट्री को दिल से जिएंगे तो आपको लगेगा वाकई में ये इंडस्ट्री क्या है, कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, इससे बढ़िया इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकती है। मुझे एक तरफ करोड़ों रुपए दे दिए और एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दे दिया, मैं इसको चलूंगा, क्योंकि यहां जो रेस्पेक्ट, जो पैसा, जो सम्मान इस इंडस्ट्री में मिलता है बाहर कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन इस काम को दिल से करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, जिसको मुझे कह रहा हूं उसको तरक्की करानी है, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे भी होता है। दोस्तों मैं इस बिजनेस की और खूबसूरती बता रहा हूं, जैसा कि अभी आदित्य जी ने बताया कि कल आप रहे ना रहे उस समय आपके परिवार की स्थिति क्या होगी, तो ये चीज महसूस कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, मेरी भी तबीयत खराब हुई थी, सितंबर में मेरे को कोरोना हुआ था, 8 दिन में हॉस्पिटलाइज हुआ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मैंने बिल्कुल 6 महीने से काम बिल्कुल जीरो हो गया मेरा। लेकिन दोस्तों मैंने जो पहले जो काम किया था उस काम का क्या रिवॉर्ड मिला मुझे, जैसे ही कंपनी लॉन्च हुई, 11 तारीख को कंपनी लॉन्च हुई और 15 तारीख को मेरा सेल्स मास्टर का प्रमोशन हुआ मात्र 4 दिन में। ये बिजनेस की खूबसूरती है, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले थे, मैंने 7 लाख की भी अपनी आईडी पे परचेज किया प्रोडक्ट और मेरा प्रमोशन निकला, आज पैसिव इनकम आ रही है, आज मैं काम नहीं करूं तो भी हमें मेरे चेक बन रहे हैं, ये मेरा पहला सेमिनार है, आप समझ रहे हो, 1.5 लाख से ज्यादा पैसे की अर्निंग कर चुका हूं मैं कंपनी लॉन्च होने के बाद में। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, जब आप 2-3 साल मेहनत कर लेते हैं तो आप जिंदगी को जीते हैं, जिसे लगता है कि यस, जब आप शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपको लगेगा आपके ऊपर गर्व महसूस होगा, जैसे बोलते ना अपने आपको देख के खुशी मिलना, आपका बेटा आदित्य बोला कि फोटो रखी होगी, जब अचीवमेंट लोगे ना आपका बेटा बोलेगा नहीं मुझे यही बनना है। आप लोगों को मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूं, हम लोगों ने दिल से इस इंडस्ट्री को जिया है तो वाकई में इस इंडस्ट्री में वो सारी खुशियां हैं जो आप अपने परिवार को देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं, एक क्वालिटी लाइफ जो जीना चाहते हैं, ये वो सारी इंडस्ट्री आपको देती है। लेकिन अगर आप लोग इसको दिल से नहीं लेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको लगेगा 2-4 लोगों की नेगेटिव बातें सुनिए आउट हो जाएंगे। नेगेटिव बातें कौन करता है? जो आदमी 4 सेमिनार में आया, जोश में आया, मोटिवेट हुआ, बाहर गया, नेगेटिव बातें की और डाउन हो गया। बाहर आपको कैसे लोग मिलेंगे, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और मुझे हमेशा वो स्टोरी जो है, कभी भी कोई नेगेटिव बातें करता है तो वो स्टोरी मैं अपने दिमाग में विजुलाइज कर लेता हूँ
और उसके बाद में पॉजिटिव हो जाता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बनाना आती है कि कभी भी आप लोग कोई बात करते हैं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव, एक से एक कंपनी ऐसा क्या कर दिया जादू, काउंटिंग करवाता हूँ एक भी कंपनी होता परेशान होकर फिर फोन करता है, एक भी केकड़ा कंपनी की ऐसा क्या किया आपने, ढक्कन खुला हुआ था 10 दिन का सफर था और एक भी केकड़ा जो है कंटेनर जो है निकला नहीं। बोले सर ये इंडियन केकड़े हैं, एक ऊपर चढ़ने में सोचा तो दूसरा टांग पर रही खींचते। समझ रहे मेरी बात को? तो जब भी आप लोग कभी पॉजिटिव कुछ अमीर बनने की बातें करोगे तो जो भी आपका पड़ोसी होगा ना वो आपको नेगेटिव बातें करेगा, बेवकूफ बनाने का काम है वो, आपकी क्या कर रहा है टांग पकड़ के खींच रहा है। ये हमारे इंडिया में बहुत अच्छी है, कुछ आए चाहे नहीं आए लेकिन हम सामने वाला कैसे तरक्की कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं है, ऐसे केकड़ों से सावधान रहना। तो हमें क्या करना है इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए ऐसे केकड़ों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है, और जो नेगेटिव बातें करे उसको ये स्टोरी सुना देना कि जो मुझसे नेगेटिव बातें करता है मैं उसको इस रूप में देखता हूँ, क्यों केकड़ा आ गया। आप समझे मेरी बात को? आप दोबारा फिर वो नेगेटिव बातें करते तो आप मुझे बोल देना, क्योंकि आप सीधा ये बताना अरे यार मैं तो बस वो केकड़े वाला बस तो वो देखा गया मुझे केकड़े के रूप में देख रहा है, समझे कि नहीं, वो दोबारा बात करेगा नेगेटिव आपसे नहीं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हम जैसे कि नीरज जी ने बताया कि हम जिस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं हमें उस इंडस्ट्री के फार्मूले जैसे मैथ में फार्मूले लगाते तभी सॉल्व होता है ना, इसीलिए इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए कुछ फार्मूले हैं, अगर उन फार्मूले को आपने अपनाया तो बिजनेस यूं निकलेगा। हमें लगता है दुनिया सबसे आसान तरीके से नेटवर्क बनाना, सर थोड़ी समय की कमी है, चाय पीना मुश्किल है लेकिन नेटवर्क बनाना आसान है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आप नेटवर्क बनाना सबसे मुश्किल काम है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आप लोग सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं अब ये बोलूंगा कि समय का अभाव है अभी, तो आज का जो है इंपोरियम इंडिया।